हेलो एवरीवन, इस चैनल पर नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम हैं मोइनुल हक स्टेडियम के जस्ट बगल में। आप देख सकते हैं स्टेडियम बंद होने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सभी साथियों को, क्योंकि दौड़ने में बहुत परेशानी होता है और हर चीज़ में, और तैयारी भी सही से नहीं हो पाता है। बट फिजिकल का डेट बढ़ाने से जिनका 4 फरवरी तक था उन लोगों को तो कुछ राहत मिला है, बट 4 फरवरी के बाद वाला का फिजिकल होना है। आपको दिखाएंगे मोइनुल हक स्टेडियम भी, क्योंकि आप जब वहाँ फिजिकल का डेट दिया हुआ था और ग्राउंड खुला था तो भीड़ इतना अधिक था कि आप उसका भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ और अभी का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। ये हमारे अमित भैया हैं, ये अमित भैया आएंगे गुप्ता फिजिकल ट्रेनिंग से। ऐसे करेंगे, यहाँ से डाउन होंगे, यहाँ से छुप रहे हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं अमित सर गुप्ता ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करते हैं। अभी लॉकडाउन में स्टेडियम बंद हो चुका है, लेकिन CSVC के द्वारा जो डेट दिया गया है, अभी कल का एक नोटिस आया था कि 28 जनवरी से 4 फरवरी तक का डेट पोस्टपोन किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं CSVC के मन में है कि वो अपना फिजिकल टाइम से लेगा, इसलिए वो मात्र 4 दिन का डेट पोस्टपोन किया है। बाकी 9 तारीख से जैसे था शेड्यूल में, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल देने के लिए बात कही गई है। तो स्टेडियम तो बंद है, लेकिन बच्चे लोगों का प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए अभी जहाँ भी जगह मिल रहा है रनिंग हम लोग किसी भी तरह से ग्राउंड में करवा ले रहे हैं, कहीं भी मिट्टी पे दौड़ा ले रहे हैं। और उसके बाद का जो प्रोसीजर है, हाई जंप है, गोला है, तो अभी आप देख सकते हैं एक स्टेडियम के जस्ट बाहर थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पर बच्चे लोगों को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है गोला फेंक का, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है, टाइम बहुत ही कम है। बच्चे लोगों का गोला, गर्ल्स लोगों का गोला बहुत ही कम जा रहा है, पास होना मैंडेटरी है, पास से ही काम नहीं चलेगा। आपको पता होगा कि बिहार कांस्टेबल का जो मेरिट है वो फिजिकल पे ही है, फिजिकल बेसिस पे मेरिट बनना है। तो जितना अच्छे से आप बच्चे लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना मार्क्स अच्छे आएगा, और ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, मेरिट बन जाएगा, घर का नाम रोशन होगा, और अपना खुद जो इस बेरोजगारी में चंगल आजकल के युवा देख रहे हैं कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो अपना मेहनत करेंगे और जॉब पाएंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से बच्चे लोग अपने प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। चलो फेंको, फेंको। अमित भैया, गुप्ता ट्रेनिंग सेंटर एक ऐसा संस्था है जहाँ से जो ऐसा है जिनका आर्थिक प्रॉब्लम है उनको हम लोग फ्री शिक्षण देते हैं, ताकि उनको नौकरी लगने में या किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब जिनके पास पैसा का इशू है, हम लोग उनके लिए फ्री सेवा देते हैं। ये हमारे सत्यवान भाई हैं, ये भी गुप्ता ट्रेनिंग सेंटर के ही छात्र थे, बिहार कांस्टेबल ड्राइवर का हमारे यहाँ ज्वाइन किए थे, और इनका मेरिट बना, अभी इनका ज्वाइनिंग दिया, खगड़िया में पोस्टिंग हुआ है, अभी जाएंगे 2-3 दिन में अपना ज्वाइन करेंगे, आज ही निकलेंगे ये। तो ऐसे ही अगर आप जो भी वीडियो देखिएगा जिनका फिजिकल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, विश्वास दिलाते हैं, आप एक बार ज्वाइन करें, आपका फिजिकल 100% गारंटी से आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। कंप्लीट ही नहीं, फिजिकल बेसिस पर जो मेरिट होता है वो मेरिट में आपका इतना नंबर आ जाएगा ताकि आपका मेरिट में किसी भी तरह का कोई भी अड़चन नहीं आएगी और आप अच्छे से ज्वाइन करोगे जाकर के। सत्यवान भाई इसका जीता जागता एग्जांपल है, जब ये आए थे इनका बॉडी का वेट बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन इस तरह से मेहनत करवाया गया तो आज ये देखिए इनका हो गया, बहुत अच्छी बात है। और भी संस्था के बहुत सारे बच्चे का हुआ है जो अपना करेक्टर बनाने में लगे हुए हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा आने का, लेकिन एक दिन टाइम निकल के वो भी आएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करवा देंगे। देखिए, ये वीरेंद्र जी हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं, इनका गोला फेंक के देखिए आप, 25 फीट लगभग फेंकते हैं, 25 बोला जाता है, रुक जाइए थोड़ा सा 25+ है इनका, 30 फीट है वो, 20 फीट हो गया, बहुत अच्छा गोला फेंका इनका। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, मेरा इससे पहले बिहार पुलिस स्क्वाड कॉन्स्टेबल में भी रिजल्ट हुआ था, उसमें मेरिट तक नहीं पहुंच पाए थे हम, और उससे पहले रेलवे में ड्राइवर का भी हुआ था, लेकिन मेरिट में उसमें भी दिक्कत हो गई थी शायको में। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ग्राउंड बंद होने के कारण आप लोगों का फिजिकल गुप्ता सर के द्वारा जस्ट उनके बगल में एक छोटा सा ग्राउंड है, वहीं पर गोला वोला फेंकवाया जा रहा है। परेशानी तो है ग्राउंड बंद होने के कारण, लेकिन कुछ लोगों का डेट बढ़ने के कारण राहत मिला है। मैं आपको ग्राउंड की ओर भी ले जाएंगे, आप देख सकते हैं फिजिकल रोड पे कराया जा रहा है क्योंकि ग्राउंड बंद है, आप यहाँ खुद देख लीजिए।
देख सकते हैं आप ग्राउंड, जहां लोग यहां भरे रहते थे, आपको वीडियो के माध्यम से मैं पहले भी डाल चुका हूं। और यहां देख लीजिए आप, पूरा खाली का खाली है, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण मॉल उन सब बंद कर दिया गया, इसमें ग्राउंड को भी स्पॉट जितना भी था सब बंद कर दिया, पूरा खाली कर दिया गया और सभी लोग रोड पे करते हैं। थोड़ा लेट हो गया इस कारण आपको नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं उस कारण से रोड पे तैयारी करवाया जा रहा है, क्योंकि डेट दे चुका है CSBC। और ये हमारे साथी हैं विकास जी, हाय। ये भी कॉन्स्टेबल में हम लोग के साथ दौड़ते थे और इस बार भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका डेट कितना, 18 फरवरी को है, 18 फरवरी को इनका डेट नहीं बढ़ा, इसलिए मेहनत जारी है। बहुत ठंड है भाइयों, क्या कीजिएगा, मेहनत करना पड़ेगा। ग्राउंड बंद होने के चक्कर में हम लोग रोड पे बहुत परेशानी से कर रहे हैं मेहनत, पैर में बहुत लोगों के दर्द उखड़ चुका है, लेकिन फिर भी मेहनत कोई नहीं छोड़ रहा है। दिक्कत तो है, रोड बंद कहाँ जाता है, ग्राउंड बंद होने से दिक्कत तो है, क्योंकि इससे पहले हम लोग का जब था फिजिकल, उस समय भी ग्राउंड बंद था, इससे पहले जब बिहार पुलिस का था उस समय भी, क्योंकि रोड पे दौड़ने के बाद होता है ना कि स्प्लिंट नहीं मार पाते लोग, जिससे कि दौड़ का टाइमिंग नहीं घटता है। देख सकते हैं आप, सब सूरज सर हैं, ये भी रोड पे ही करा रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कितना अधिक खतरा का सामना करना पड़ सकता है, इसमें सीन पेन का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, धन्यवाद।